बारामूला की खबर, जहां पर पुलिस का एक बड़ा दावा हुआ है। आपको याद होगा कि मैखाने पर गुज़श्ता दिनों ग्रेनेड हमला हुआ था और उस हमले के दौरान कुछ लोग जख्मी हुए थे, एक की मौत भी हुई थी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से और आईजीपी कश्मीर की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि बारामूला पुलिस ने इस पूरे केस के अंदर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पुलिस ने 4 मतलूबा मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है और उनके एक एसोसिएट को भी गिरफ्तार किया, उनके एक मददगार को भी गिरफ्तार किया गया है और इनका ताल्लुक लश्करे तैयबा तंजीम से बताया गया है। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और कुछ मजीद गोला बारूद बरामद करने का दावा भी किया गया है। ये मॉड्यूल जो था ये इन्वॉल्व था जी कई टेरर इंसिडेंट्स के अंदर बारामूला के अंदर और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन मजीद इस पूरे मामले पे जारी है। आईजीपी कश्मीर का बयान है, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया है जिसमें इस बात का दावा पेश किया गया कि गुज़श्ता दिनों जो ग्रेनेड हमला हुआ है और कुछ और मामले बारामूला के अंदर चल रहे थे उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 4 इंतहा पसंद टेररिस्ट है जी, एक उनका मददगार है और उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा तंजीम से है। और इनकी पूछताछ जब की गई, इंट्रोगेट किया गया तो 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और कुछ गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया है। और इस तरीके से कुछ कम कलील वक्त के अंदर, तकरीबन 70-72 घंटे के अंदर अंदर ही इस पूरे कार्रवाई के अंदर आईजीपी कश्मीर और पुलिस का दावा कि केस को लगभग लगभग हल कर दिया गया और मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्वीट थोड़ी देर पहले आईजीपी जनरल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कर दिया गया है। 5 पिस्तौल, 23 ग्रेनेड और दीगर जो काबिले एतराज मवाद बरामद है और पुलिस का ये मानना है कि ये जो गिरफ्तार अफराद हैं 4 इनमें मिलिटेंट हैं, 1 इनका मुआविन है लश्कर नामी तंजीम का और गिरफ्तार अफराद बारामूला के अंदर मुतद्दिद इलाकों में जो हमले हुए इनमें मुलव्वस थे। लेकिन ये क्रैकडाउन तब चला है जब आपको याद होगा कि 17 की शाम को एक शराब खाने पर हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी और एक राजौरी से 52 साल शख्स जो ताल्लुक रखता था राजौरी से उसकी मौत हुई, जिसके बाद एहतजाज भी राजौरी के अंदर देखने को मिले।